मुझे याद है कि कुछ ही वक्त पहले एक यूजर ने ट्विटर पे जाके केएल राहुल को टैग करते हुए एक पोस्ट डाली थी जिसमें लिखा हुआ था कि केएल राहुल तुम इंडिया पे एक एहसान करो कि अब कभी भी इंडियन टीम से मत खेलो, तुम इंडियन टीम पे एक बोझ हो और कुछ नहीं। तो वहीं पे एक यूजर ने यह भी ट्वीट करा था कि केएल राहुल तुम इंडियन क्रिकेट को बस एक ही तरीके से बचा सकते हो, उसके लिए ना खेल के। एक यूजर ने तो हद ही दी थी, उसने तो ये तक लिख दिया था कि केएल राहुल वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बड़ा फ्रॉड है। और बद सलूकियत का आलम इतने ऊपर जा चुका था कि कुछ लोग अलग अलग सोशल मीडिया पे ये लिखने लगे थे कि केएल राहुल काइंडली रिटायर, प्लीज क्रिकेट से रिटायर हो जाओ। देखो मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं भी उन्हीं लोगों में से हूंगा जो केएल राहुल को खराब खेलने पे क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन हमेशा हमेशा मैं एक लाइन जरूर कहता था कि यार ये अगर चल जाए ना तो इंडियन क्रिकेट को फायदा बहुत ही ज्यादा होगा। क्योंकि देखो कोई इस बात को माने या ना माने, लेकिन केएल राहुल जैसे जो प्लेयर है ना वो आसानी से नहीं मिलते हैं। हाँ, दो पल के लिए देख के ऐसा लग सकता है कि ठीक है यार ऐसे तो प्लेयर आते हैं जाते हैं, लेकिन ये सच है जैसा मैंने कहा कि केएल राहुल के पास जो क्वालिटीज है, केएल राहुल के पास मैदान में टिकने की और सेम टाइम पे जो हिटिंग की कैपेबिलिटीज है वो एक ही प्लेयर के अंदर बहुत ही ज्यादा मुश्किल से मिलती हैं। हाँ, अगर केएल राहुल भी लगातार फ्लॉप हो रहे हैं तो बाहर करो, बिल्कुल करो, लेकिन ये मत कहो कि कभी भी इसको कंसीडर करना ही नहीं चाहिए। और पता नहीं कि केएल राहुल के लिए लोगों के मन में इतना ज्यादा गुस्सा किस बात का है, मतलब ऐसा कौन सा बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। नहीं, ठीक है आप उसके ना चलने पे उस पे मीम बनाओ, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उसको ट्रॉल करो, इसमें कोई गलत बात नहीं है, पर ये कहना कि वो वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बड़ा फ्रॉड है, हद है भाई। अगर तुम थोड़ा बहुत भी क्रिकेट की समझ रखते हो ना तो आज अपने दिल पे हाथ रख के ये कह डालो कि कल के दिन जो केएल राहुल ने उस प्रेशर भरी सिचुएशन में उस कठिन पिच पे जो पारी खेली, क्या वो ईशान किशन खेल सकता था। मैं यहाँ पे ईशान किशन की कोई फजीहत नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये एक बात है जो मैं आपको आसान से आसान तरीके में समझाना चाह रहा हूं। क्योंकि कल फिर से उस सिचुएशन में जिस तरीके की पारी केएल राहुल ने खेली है, वहां पे ऐसे ही लोग चाहिए होते हैं जिन्हें खेल की समझ हो, जो क्रिकेट लोगों को एंटरटेन करने के लिए नहीं बल्कि टीम को जिताने के लिए खेलते हो। अब आप में से बहुत लोग ये कहेंगे कि केएल राहुल भी कौन सा टीम के लिए खेलता है, आईपीएल में तो बस अपने रन मारने से मतलब रखता है कि कैसे भी करके उसको ऑरेंज कैप मिल जाए। तो भाई देखो, इस इल्जाम का एक बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि अगर केएल राहुल अपने लिए खेलते होंगे तो फिर उनके स्टैट्स थोड़ी अच्छे होने चाहिए। चलो दो पल के लिए उनकी एवरेज अच्छी हो सकती है, लेकिन स्ट्राइक रेट तो कम होनी चाहिए ना। अगर एवरेज भी अच्छी है, स्ट्राइक रेट भी अच्छी है, तो कैसे कहा जा सकता है कि वो अपने लिए खेलता है। और जहां तक बात रही उसको फ्रॉड कहने की, तो आओ उसका भी मैं तुम्हें एक बहुत ही शानदार जवाब देता हूं। केएल राहुल ने ओडीआई क्रिकेट में एंट्री लगभग 2016 के आसपास करी थी, और 2016 में केएल राहुल की जो एवरेज थी वो 196 की थी, उनकी स्ट्राइक रेट 84 की थी। 2017 में केएल राहुल ने कुछ खासा मैच खेले नहीं, 2018 में जब खेले तो वहां पे केएल राहुल की एक डिसेंट एवरेज 35 की थी और स्ट्राइक रेट 81 की थी। फिर 2019 में केएल राहुल की एवरेज 48 की थी और स्ट्राइक रेट 82 की थी। 2020 में केएल राहुल की एवरेज 56 की थी और स्ट्राइक रेट 107 की थी। 2021 में केएल राहुल की एवरेज 89 की थी और स्ट्राइक रेट 102 की थी। हाँ, साल 2022 एक ऐसा जरूर था जहां पे केएल राहुल ने मात्र 9 मैच खेले जिसमें उनकी एक डिसेंट एवरेज 28 की रही और स्ट्राइक रेट 81 की रही, लेकिन उसके बाद फिर से केएल राहुल ने बाउंस बैक किया और 2023 में केएल राहुल की एवरेज 93 की चल रही है और स्ट्राइक रेट 81 की चल रही है। तो भाई तुम ही बताओ कि ओडीआई क्रिकेट के अंदर 196 की एवरेज, 48 की एवरेज, 56 की एवरेज, 89 की एवरेज, 93 की एवरेज, क्या फ्रॉड प्लेयर के जो स्टैट्स होते हैं वो ऐसे ही दिखते हैं क्या? चलो ओडीआई से आगे बढ़ के तुम टी20 देख लो। टी20 में 2016 में केएल राहुल की एवरेज थी 90 की, हां 90 की एवरेज थी और स्ट्राइक रेट थी 160 की। साल 2017 में केएल राहुल की टी20 में एवरेज थी 40 की और स्ट्राइक रेट थी 141 की। 2018 में केएल राहुल की एवरेज थी 37 की और स्ट्राइक रेट थी 150 की। 2019 में केएल राहुल की एवरेज थी
थी 45 की और स्ट्राइक रेट थी 143 की। 2020 में फिर से केएल राहुल की एवरेज थी 45 की और स्ट्राइक रेट थी 141 की। 2021 में केएल राहुल की एवरेज थी 29 की और स्ट्राइक रेट थी 131 की। हाँ, फिर से 2022 थोड़ा सा बुरा रहा, जहां पे उनकी एवरेज थी 29 की, जो कि बहुत खराब नहीं है, और वहीं पे उनकी स्ट्राइक रेट थी 127 की, जो फिर से बहुत खराब नहीं है। मतलब आसान भाषा में कहें तो 80% ऑफ द इयर्स में उनकी जो एवरेज है वो लगभग 43-44 की है और उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो 145 से 150 के आसपास की है। तो भाई तुम ही बता दो कि फ्रॉड प्लेयर के जो स्टैट्स होते हैं वो ऐसे ही दिखते हैं क्या? अब मैं आईपीएल की बात करूंगा तो तुम कहोगे कि मैं सुनना ही नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं तुमको लगे हाथ बता ही देता हूं कि पिछले 6 साल से केएल राहुल की आईपीएल में जो एवरेज है वो 50 के भी ऊपर है और उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो 140 के ऊपर है। तो फिर कैसे तुम कह सकते हो कि ये जो स्टैट्स हैं ये इसने बस अपने लिए बनाए हैं? अगर तुम ये कह रहे हो कि केएल राहुल अपने लिए खेलता है, तो भाई पिछले 6 सीजन में जहां हर सीजन में केएल राहुल ने कम से कम 14 मैच तो जरूर खेले होंगे, उसमें से बस तुम मुझे ऐसे 3 मैचेस लाके दे दो जहां पे केएल राहुल की एक स्वार्थी पारी की वजह से उसकी टीम हार गई। लेकिन वहीं पे मैं तुम्हें ऐसे 50 मैचेस बता सकता हूं जहां पे सिर्फ केएल राहुल की वजह से उसकी टीम एक डिसेंट स्कोर कर पाई थी। लेकिन एक फ्रॉड प्लेयर से उम्मीद भी क्या करी जा सकती है? और केएल राहुल ने जो ये पारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली है, ये सेम पारी उन्होंने कुछ ही महीने पहले श्रीलंका के खिलाफ भी खेली थी। ये कुछ ऐसी पारियां हैं जो असल में बताती है कि आप कितने बड़े प्लेयर हो। देखिए, आसान पिच पे हिटिंग करना वो कोई बड़ी बात नहीं होती है, जब सब रन मार रहे हो वहां पे थोड़े से रन आप भी मार दो वो भी बड़ी बात नहीं होती है। असली प्लेयर का जो लेवल होता है वो तब टेस्ट होता है जब वो एक प्रेशर वाली सिचुएशन में आके उस पिच पे रन मारे जहां बाकी प्लेयरों ने घुटने टेक दिए। वही सिचुएशन होती है जो आपके सब्र का इम्तिहान लेती है। देखो, मुझे पता नहीं कि अभी तुम्हें मेरी बात कितनी समझ में आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, लेकिन बस इतना समझ लो कि केएल राहुल जैसे प्लेयरों के केस में पता है क्या होता है, हम पहले इन्हें बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा बोल के टीम से भगा देते हैं, लेकिन फिर इनके बदले में जो भी आता है तो उन्हें देख के हम यही बोलते रहते हैं कि यार इससे तो लाख गुना वही अच्छा था। तो उम्मीद करिए कि ऐसा दिन ना आए कि हमें एहसास हो कि वो अच्छा था, उसमें काफी काबिलियत थी, लेकिन हमने वक्त रहते पहचानी नहीं, और जब पहचानी तो तब वक्त जा चुका था। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि आने वाले वर्ल्ड कप 2023 के लिए जितने इंपॉर्टेंट टीम के लिए रोहित शर्मा होने वाले हैं, जितने इंपॉर्टेंट टीम के लिए विराट कोहली होने वाले हैं, जितने इंपॉर्टेंट मोहम्मद शमी या सिराज होने वाले हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट, जी हां उतने ही इंपॉर्टेंट केएल राहुल होने वाले हैं, चाहे विकेट कीपिंग में कह लें चाहे बैटिंग में कह लें। और क्या आपको भी लगता है कि केएल राहुल टीम पे बोझ हैं या फिर केएल राहुल फ्यूचर के एक बहुत बड़े क्रिकेटर बन सकते हैं? जो भी आपका सोचना है, जो भी आपका मानना है, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और ऐसी ही जबरदस्त क्रिकेट वीडियोस के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।